हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नए विषय पर बात करेंगे जिस जो एक बहुत कॉमन क्वेरी लोगों की होती है कि क्या स्क्विंट सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो ये गलत धारणा है कि स्क्विंट एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। स्क्विंट के कारण से बच्चों की विजन में भी फ़र्क पड़ता है, उसके कारण से एम्ब्लायोपिया या लेजी आई भी हो सकती है, और अगर स्क्विंट होता है उसके कारण से हमारी बायनोकुलर विजन का मतलब हम दोनों आंखों को एक साथ किसी टारगेट पे नहीं यूज़ कर पाते हैं, जिसके कारण से हम एक आंख से एक टाइम पे देख रहे होते हैं जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते। तो इससे हमारी बायनोकुलर विजन पे भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा इसके साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे जिसको स्क्विंट होता है उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं, मैरिज में डिले होता है, तो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं आती है, जॉब नहीं मिलती है। तो इन सब इश्यूज़ के कारण से अब हम इसको एक कॉस्मेटिक सर्जरी ना मानकर हम इसको एक फिजियोलॉजिकल रीज़न से भी सर्जरी करते हैं, जहाँ पर उसकी नज़र में भी फ़र्क पड़ सकता है, बायनोक्युलर विजन पे भी, और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के कारण से भी हम इसको अब कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं मानते हैं। दूसरा, एक लोगों की क्वेरी होती है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसके कारण से इंश्योरेंस हमारी सर्जरी नहीं कवर करती है, स्क्विंट सर्जरी उसमें कवर नहीं होती है। तो अब हम इसको कॉस्मेटिक सर्जरी ही नहीं मानते हैं, पहली बात। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें स्क्विंट सर्जरी भी अब, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, उसको अब इंश्योरेंस सेक्टर भी कवर करता है, और इंश्योरेंस से उनको वापस प्रीमियम, वो अपना रीइंबर्समेंट करा सकते हैं या कैशलेस सर्विस भी इसमें ले सकते हैं, और उसके थ्रू भी ये कवर होता है। तो इट इज़ नो मोर अ कॉस्मेटिक सर्जरी। इससे विजन पे भी फ़र्क पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको बाकी सबको इससे अवेयर कराना ज़रूरी है। थैंक यू। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी।